हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के, कितने बज रहे हैं बाबू? नहीं, अच्छा नहीं नहीं बोलना। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 8:30। और आज मैं आप लोगों को 8:30 बजे मॉर्निंग मिस कर रही हूँ। रीजन क्या है? आज है संडे, तो संडे वाले दिन हमारा लेट लपाट होता है लेट लपाट इसी वजह से, तो माइंड मत लीजिएगा, हम लोग इसी तरीके से बोल देते हैं। तो बस अभी हमें चाय बनानी है और दाल या सब्जी, देखते हैं क्या बनाना। अगर सब्जी बनाऊंगी तो जरूर शेयर करूंगा, अगर दाल बनाऊंगी तो कोई नहीं बस तो बस चलिए फटाफट से चाय बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और कल की थोड़ी सी मैंने क्लिप रख रखी है जो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, मेरे नए वाले घर की। आप लोग जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। घर देखना है कि नहीं देखना आप लोगों को? आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सारी चीजें हो पाई हैं, तो प्लीज देखिएगा जरूर। तो चलिए फटाफट से चाय बना ले, चले। कहाँ है बाबू? कहाँ है बाबू? वहां बैठी है। लोटा लेके घर के सामने बैठे हो क्या विक्रम? भैया बैठे हैं कि तुम बैठे हो? तुम खड़े हो गए देख के। क्या मम्मी ने बनाएंगे? लोटा लेके क्या कर रहे हो? आउट का क्या कर रहे हैं? एक घोट बिल्कुल पानी वो करके चाय तो इसमें बनाओ। चाय वाला दूध, दूध वाला चाय नहीं देके गया था? देखा दूध दिएगा? चाय वाला दूध नहीं दिया, दूध वाला क्या बोल रही हूँ मैं भी, एक ही दूध दिया है आज। तो गाइस चाय ये देखिए हमने चढ़ा दी है, साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिया है कुकर में आलू, क्योंकि आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, आलू टमाटर की सब्जी बनानी ये बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब तक ये चाय हमारी पकेगी जब तक आलू भी बॉयल हो जाएगी, और मैं आज आलू उबाल के सब्जी बनाऊंगी। और देखिए तो बस फटाफट से अब हम काट लेते हैं। सीटी बहुत जल्दी बन गई क्योंकि आलू मैंने जस्ट थोड़ी सी ही डाली है। और अब हम काट लेते हैं प्याज लहसुन, इन सबको मैं अच्छे से पीस लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ जब तक हमारी चाय बन रही है, ठीक है? तो गाइस बाबू को भूख लग गई है तो मैंने सोचा कि चलो बाबू आलू का पराठा खाओगी? बना दूँ कि आलू तल दूँ? आलू खाओगे? अच्छा मेरा मन आलू बना। चाय बन गई है, चाय पी रहे हैं। क्या हुआ? हाँ ये सब चाय पी चुके हैं, मतलब दे दी हूँ। और तो गाइस जस्ट ये हमारा न्यू वाला घर है, और आप देख सकते हो जब हमने इसे ओपन किया था तो ये कुछ इस कंडीशन में हमें मिला था। तो जस्ट मैंने कहा आपको दिखा दूँ, और वहाँ पर हमारे सीट है और यहाँ पे खपड़ैल आप इसे बोल सकते हो। तो अभी हमें इसे अच्छे से मेंटेन करवाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने कहा ये वाली क्लिप मैं निकाल लेती हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि पहले कैसे था और हम लोगों ने इसे कैसे मेंटेन किया। और यहाँ पे पानी भर जाता है जब बारिश होती है, तो यहाँ से आपको पानी बाहर फेंकना पड़ता है वरना अंदर रूम में चला जाएगा। तो इसका हम कुछ जुगाड़ बनवाएंगे जो आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, तो इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया था। और ऊपर टंकी भी नहीं थी, तो ये देखिए ऊपर ये टंकी रख रहे हैं, और यहाँ से इन्होंने पाइप जोड़ दी है ताकि जब हम वहाँ से पाइप खींचे तो यहाँ पर ज्वाइंट कर दे और पानी ऊपर डायरेक्ट टंकी में चला जाए जो अभी भर रहे हैं। तो आपने वो वाली कंडीशन तो देख ही ली थी, साथ ही साथ अब ये वाली भी देख लीजिए। यहाँ पर साइड में थोड़ी सी दीवार उठ गई है, बालू वगैरह गिर गए हैं, लेकिन बारिश पे बारिश लगी पड़ी है तो इसी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। और अंदर भी गिट्टी वगैरह फूट गई है,
और जैसा ये आपको छप्पड़ दिख रहा है अंदर से कुछ अलग तरीके से, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अभी अंदर नहीं जा सकती क्योंकि इन्होंने कहा भी मत जाओ, अभी काफ़ी गंदा है, इस वजह से नहीं गई। तो मैं आपको बाहर का लोकेशन दिखा दे रही हूँ। तो फाइनली वहाँ से एक हिसाब से तो ठीक ही है, तो काम लग चुका है, बारिश निकल गई है। तो ये काम जो लगा हुआ था ये करीब 1 बजे से लगा हुआ था, तो इसमें 3-4 दिन लग गए हैं। तो बस आप लोग देखिए और बताइएगा कि कैसे क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे ये मसाला बना रहे थे तो मैंने इनकी थोड़ी सी क्लिप ऐड कर ली है। तो यहाँ पर आप हम लोगों की वॉइस, रियल वॉइस सुनिए, वॉइस ओवर नहीं करूँगी कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो रोटी सेक दे रहे हैं, 4 रोटी खा लें। खाना भेजोगा? अच्छा बना लो जल्दी। जब स्कूल लेते हैं वो कुरकुरे हो लगे, 1-2 पैकेट। ए बाबू जा चले देता इनका, पकड़ के ले जाना पकड़ के। मास वोस नहीं लगाई है, ले जा रहे हो क्या कर रहे हो? भैंस का गोबर मिला रहे हैं। भैंस का गोबर मिला रहे हो खाद बनाने के लिए? देखो भैया तुम्हारा फोटो खींच रहे हैं। ये है सीमेंट और ये है बालू। क्या हुआ आंटी जी? हाँ हम पूछ रहे क्या कर रहे हैं, तो कह रहे भैंस का गोबर मिला रहे हैं। किसको खिलाओगे? खिलाएंगे ना, जमीन बिछाएंगे। भैंस का गोबर वो लीपा जाता है, बिछाया नहीं जाता है। वही वही सही पकड़ी हो, सही पकड़ी हो, सही पकड़े हैं। अच्छा लेबर का है मिल भाई तो चलो कर लो। कितना पैसा लोगे? हमको 20 रुपए दिए थे, तुम कितना? तुमको 5 रुपए देंगे। सही है ना। तो बस देखा आपने, कुछ इस तरीके का हमारा घर है। जल्दी ही मैं आप लोगों को अंदर भी ले चलूंगी, अभी मैं नहीं गई हूँ, बाहर से ही मैंने देख लिया था, मैंने कहा दिखा दूंगी आप लोगों को। आप लोग बहुत परेशान थे, दी नया वाला घर दिखाइए, तो जस्ट वही मैंने कहा दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अदरक और मिर्ची को एक उसमें अदरक कूटने वाले में कूट लिया, और फिर आलू को उबाल कर मैंने ग्लास से इस तरीके से मैश कर लिया है। और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन मिर्ची का पेस्ट जो मैंने कूट रखा था। आप लोग सोचोगे दी आलू टमाटर की सब्जी बनाते बनाते क्या बनाने लगी, तो यहाँ पर मैं आलू का पराठा बनाने लगी हूँ। और इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, क्योंकि इस टाइम की आलू थोड़ी सी मीठी आती है, और ठंड में मैं लाल मिर्च नहीं डालती, जस्ट हरी मिर्च डाल देती हूँ, तभी तीखापन आ जाता है। लेकिन इस की आलू मीठी होती है। तो इनको अच्छे से मैश करके मैं साइड में रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, क्योंकि इस टाइम की आलू जो होती है ना वो थोड़ी सी ढीली होती है। और अब मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, सिर्फ टमाटर की चटनी, धनिया भूल गए थे ये लाना, तो मैंने कहा चलो जाने दो, बाबू की मैंने शादी निकाल दी और हम लोगों की टमाटर और मिर्ची है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम नहीं तो 30 रोटियाँ बेल ली हैं, पतली पतली 30-35 ऐसी हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट भर के बनाओगे तो वो फट जाएंगी गर्मी में, और ठंडी में आप लोई बना के डायरेक्ट भर सकते हो, बट गर्मी में आपको इस तरीके से पराठा बनाना पड़ता है। लेकिन मेरा क्या है कि चाहे ठंड हो चाहे गर्म, मैं इसी तरीके से रोटियां बना कर ही पराठा बनाती हूँ। तो बस फटाफट से हम बेल लेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस फटाफट से हम बना लेते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर से मिलती हूँ मैं। और साइड में मैंने तेल रख रखा है बस। तो हमारा पराठा बनकर रेडी होने वाला है, आधा लगभग बन चुका है, तो कट कर करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी देर से मैं मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 6, और मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए। तो सारे कपड़े मैं समेट रही हूँ, और वहाँ पे वो कल का जो प्लास्टर वगैरह हो गया था तो वो सूख गया, तो ये आज बोल रहे थे कि पंखा लगा देता हूँ, तो वही सुबह इन्होंने साफ़ किया था, धुल उल के रख दिया था, तो वो लगाने गए हैं। और बोल रहे थे कि चलो सोफ़ा भी रख देते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है रख दो, पहले कपड़े हम हटा लेते हैं फिर उसके बाद तुम ले जाना। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से मैं, ठीक है। तो गाइस अभी देखिए सारा सामान फैला पड़ा है, ये देखिए, क्योंकि जितना कपड़े वगैरह थे
मैंने मेकअप लुक भी क्रिएट किया था, वो सब कुछ पड़ा हुआ है। साथ ही साथ जो यहाँ पे टेबल रखी थी, बाबू की कुर्सी रखी थी, और ये सोफा, ये भी जा रहा है उस कमरे में। तो ये चला जाएगा, इतना सामान थोड़ा थोड़ा करके ही जाएगा जस्ट। तो हल्का फुल्का सूख गया, तो हल्का फुल्का सामान ले जाएंगे। और इससे पहले वो गए हैं जहाँ पर हम लोगों ने सोफा रखा है, वहाँ पर वो फैन लगाने के लिए गए थे, बट फैन चला ही नहीं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ, अभी आएंगे तो अभी आप देखिएगा। हाँ वो सब ले जाओ सब। हाँ तो इसको ले जाओ, क्यों रख रहे हो दोबारा हाथ चला दी ना, क्यों वही जाएगा तो इसमें रख रहे। हाँ तो वही तो बोल रही, देख रहे हो इतना भारी थोड़ी ना हो जाएगा, देख लो सोफा इतना भारी नहीं है। अपने तरफ खींचो पहले विक्रम तुम। हाँ बस हिल रहे है। नहीं यार कमजोर हो गया ना, कैसे कमजोर हो गया, पहले पोछना पड़ गया, निकल नहीं। दरवाजा पकड़ूं क्या? गाइस बस रात के बज रहे हैं 10:30। क्या हुआ? स्मार्ट स्मार्ट लग रहे हो, हमको नहीं पता था स्मार्ट लगते हो। तो बस 10:30 बज रहे हैं और ब्लॉगिंग का एंड भी करना था। आज हम लोग काफी थक गए हैं, पर्सनली मैं थकी हूँ। तुम थके हो? तुम कहाँ थके यार, तुम तो कुछ किए भी नहीं हो। पोछा मारे कितना? कहाँ पोछा मारे हो? वहाँ पे हम तो नहीं देखे हैं। तो तुम यहाँ थे ना नए वाले घर पे, और जब मैं गई थी तो मुझे तो वैसे ही लग रहा था। वैसे लगेगा रात में। सुने रात में वैसे लगेगा, साफ नहीं लगेगा, झूठ बोलना तुमसे सीखे। तो बस व्लॉगिंग का एंड करना था, और हम लोग एक दो दिन में शिफ्ट हो जाएंगे ना। कब तक शिफ्ट होंगे? एक दो दिन लगेंगे। एक दो दिन में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि सोफा चला गया है, जस्ट चारों सोफे चले गए हैं, टेबल चली गई, बाबू की कुर्सी चली गई है, और कुछ कपड़े, कुछ कपड़े चले गए हैं, थोड़ा मोड़ा सामान चला गया है, और कल दोनों अलमारी चली जाएंगे। हाँ कल शायद दोनों अलमारी भी चली जाएंगी, सिंगारदान भी। हाँ सिंगारदान भी चला जाएगा, ड्रेसिंग टेबल भी, बच्चे का बेड, बेड हम ले जाएंगे परसों। अगर जिस दिन बेड हमारा जाएगा उस दिन समझ लीजिए हम शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे जो सारी चीजें होंगी वो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, है ना? यस दिखाओगी ना? तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को हम सारी चीजें दिखा सके, और आप लोग भी साथ ही साथ हमारे देखिए। और बस आप लोगों से यही बोलना था, तो बस आप लोग भी वेट करिएगा जल्दी से नए वाले घर में शिफ्ट होने का, चैनल में बने रहने के लिए शुक्रिया। और ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से हो पाया, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हो पाया, और अच्छा खासा मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा, वो भी आप लोगों की वजह से बोल रहा। तो इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं बोलोगे? थैंक यू मेरी तरफ से बोल दो, तुम्हारी तरफ से बोल दे, तुम बैठे हो तुम नहीं बोलोगे, दो दो चाहे हम बोले चाहे तुम, बस वही है। तो चलिए बाबा गुड नाइट, वीडियो का एंड करती हूँ, और बाबू लगी हुई दीदी को सजाने में, शादी में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए। बाबू तैयार कर, किसको तैयार कर रहा बाबू? शादी कहाँ जाएगा? दीदी छोड़ने शादी। इधर दिखाओ, गुड नाइट बोल दो, दिखाओ। हाँ दिखाओ, पीछे दिखा, लिपस्टिक लगाई हुई है। ये देखो दीदी, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, पुच्ची पुच्ची पुच्ची। तो बस गुड नाइट, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ओके बाय बाय।